Hello, my dear students. Let's do the question answers of the poem Razia the Tigress, written by Kiki and the Ruwala. Write the summary of the poem Razia the Tigress. Razia is a young tigress. She has two little cubs. Her male companion Sheru has left her. Now Razia is worried about her two cubs. रज़िया एक जो है वो एक बाघन है, टाइग्रेस है, और उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं. उसका जो मेट है, उसका जो साथी है, वो शेरू उसे छोड़कर चला गया है. नाउ रज़िया इज़ वरीड अबाउट हर टू कब्स. अब उसको अपने दो छोटे बच्चों की बहुत फिक्र है. शी कैनॉट लीव देम अलोन एंड गो हंटिंग फॉर फूड, क्योंकि वो उनको अकेले नहीं छोड़ सकती और जंगल में अपना शिकार ढूंढने नहीं जा सकती. हाइनास कैन कम एंड किल द लिटल कब्स, लक्कड़ बग्घे जो वो किसी भी वक्त आकर उसके बच्चों को मार सकते हैं. शी इज़ अफ्रेड ऑफ द पॉचर्स ऑल्सो, और वो शिकारियों और चोरों का भी उसको काफ़ी डर है. क्वेश्चन नंबर टू, वॉट इज़ द थीम, इसका थीम क्या है, एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द रज़िया द टाइग्रेस. इसका सेंट्रल आइडिया या थीम अगर आ जाए तो यू हैव टू राइट द सेम आंसर. सेम आंसर आपको लिखना है बच्चे. आंसर इज, This poem underlines the grave danger to the wildlife resulting from the destruction of forest. ये कविता जो है जंगल में जो विनाश हो रहा है ना, जंगली जानवरों को उनसे बहुत खतरा है, इसके बारे में इस चीज़ को शो किया गया है. Man has usurped the land belonging to wild animals. जो आदमी है उन्होंने जंगली जानवरों की ज़मीन जो है उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया है. Now the poor animals have nowhere to live. अब ये जो बेचारे जानवर है ये अब कहाँ जाए, उनके रहने की कोई भी जगह नहीं है. दे लिव इन डेंजर ऑफ पॉर्चर्स, और वो हर वक्त शिकारी लोगों के डर के साए में रहते हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई डज रज़िया द टाइग्रेस लिव अलोन, रज़िया जो है वो अकेली क्यों रहती है. रज़िया द टाइग्रेस यूज टू लिव विद द मेट्स शेरू, वो अपने एक अपने साथी के साथ रहती थी जिसका नाम शेरू था. बट सून आफ्टर द बर्थ ऑफ टू कब्स शेरू लेफ्ट हर, लेकिन जैसे इसके दो बच्चों का जन्म हुआ शेरू उसको छोड़कर चला गया. ही हैजन कम बैक, वो अभी तक वापस नहीं आया. दैट इज़ वाई रज़िया इज़ लिविंग अलोन विद हर कब्स, इसलिए रज़िया जो है वह अपने दो छोटे बच्चों के साथ अकेले ही रह रही है. वट वॉज शेरू एक्सपर्टाइज, शेरू किस चीज़ में निपुण था. शेरू वॉज वेरी गुड एट हंटिंग, वो शिकार करने में बहुत परफेक्ट था. एंड ही हैड गुड नॉलेज ऑफ द विंड्स एंड देयर डायरेक्शंस, उसको बहुत ही नॉलेज थी इन विंड्स के बारे में कि कैसे हवा और किस डायरेक्शन में हवा चल रही है. ही न्यू दैट ही शुड कीप हिमसेल्फ ऑन द अप साइड ऑफ द विंड, उसको हमेशा ये लगता था कि वो हवा के ऊपर वाली जो डायरेक्शन उसी में वो रहता था. दस हिज सेंट वुड नॉट रीच द डियर, इसलिए उसकी जो स्मेल थी, उसकी जो बॉडी की स्मेल थी वो हिरन तक नहीं पहुंचती थी. एंड ही कुड गेट देम ईजिली, और वो उनको बहुत आसानी से उनका शिकार कर सकता था. वट हैपन टू शेरू, शेरू को हुआ क्या था. फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड, जंगल जो है वो काट दिए गए हैं. एंड देयर वॉज नॉट इनफ गेम फॉर द शेरू, अब शेरू के लिए शिकार करना इतना ईजी नहीं रह गया था. इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू फाइंड फूड, उसके लिए खाना ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल हो गया था. देयर वॉज अ डेंजर ऑफ द पॉचर्स ऑल्सो, उसके वहाँ पे शिकारियों का भी काफ़ी डर था. सो ही लेफ्ट द फॉरेस्ट एंड वेंट समवेयर एल्स, इसलिए उसने जंगल छोड़ दिया था और वह शायद कहीं चला गया था. वट आर रज़ियाज फेयर, रज़िया को किस चीज़ का डर था. रज़िया हैज़ टू लिटिल कब्स, रज़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे. शी कैनॉट लीव देम अलोन एंड गो हंटिंग, वो उनको कहीं छोड़कर नहीं जा सकती थी शिकार करने के लिए. हाइनस कैन कम एंड किल हिम, हाइनस किसी भी वक्त आकर उसको मार सकते थे. देन देयर इज़ अ फियर ऑफ पॉर्चर्स ऑल्सो, और शिकारियों का और चोरों का डर तो था ही. दे कैन कम विद देयर गन्स एंड किल ऑल ऑफ देम, वो कभी भी आके अपनी बंदूकों के साथ उनको मार सकते थे.